इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि स्टडी आई की जुडिश्री प्रोवाइड करता है आपको जुडिशरी के कोर्सेज और यहाँ पे जुडिश्री के कोर्सेज आपको मिल रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस में तो अगर आप मल्टीपल स्टेट्स को टारगेट करना चाहते हैं तो आप हमारा महापैक ले सकते हैं जो मिल रहा है आपको ग्यारह हजार में और अगर आप एक स्टेट स्पेसिफिक तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ एक स्टेट को टारगेट करना चाहते हैं तो आप हमारा स्टेट स्पेसिफिक कोर्स ले सकते हैं सिर्फ नौ हजार में और ये कोर्सेज आपको इस प्राइस पे तब मिलेंगे जब आप यूज करेंगे प्रोमो कोड एस तो जैसे ही आप प्रोमो कोड यूज करेंगे एस तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट तो सिर्फ इसी कोड से मिलता है आपको कोर्स uh, परचेज करने पे uh, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट तो अगर महापैक लेना है तो वो आपको एक साल का पड़ेगा ग्यारह हज़ार नौ सौ निन्यानवे में और सेशन के लास्ट में आई विल बी टेलिंग यू कि कैसे आप कोड लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं वाइल परचेजिंग दी कोर्स एंड आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर तो सेशन uh, की पी चाहिए जो कंटेंट मैं यहाँ पर क्लास में यूज़ करती हूँ उसकी पी चाहिए या नेक्स्ट नोटिफिकेशन चाहिए क्लास की तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं तो टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं श्रीमि श्रीवास्तव के नाम से और कोई भी डाउट हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कोर्स तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं दोनों में से ही किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे इंटायर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड बी कम्प्लीटिंग दीरीज विदेल्प ऑफ दिस बुक ठीक है तो ये पूरी बुक आपकी इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सीरीज में कवर अप करी जाएगी एंड टूडे एज वी आई हैोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन फोर एंड फाइव तो सेक्शन तो फोर और सेक्शन फाइव हम करेंगे आपके सिलेक्शन नंबर थ्री में क्लियर नाउ सी सेक्शन फोर क्या बात करता है सेक्शन फोर बात करता है आपके इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट और उनका क्या रिलेशन है विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो सेक्शन फोर की एक बेयर रीडिंग देखो इन ऑफ एनेक्टमेंट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना उसका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे एक्ट करेगा एज अ पार्ट एक्ट करेगा उसका कोई भी वर्ड कोई भी एक्सप्रेशन जिसका मीनिंग हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ले सकते हैं और

क्ट विच रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट जो रिलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट से शैल बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट उसको कैसा माना जाएगा जैसे एज इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड सेक्शन लाइक सेक्शन फिफ्टी फोर पैरा वन एंड टू सेक्शन फिफ्टी नाइन वन जीरो सेवन एंड वन ट्वेंटी थ्री ये सारे सेक्शन सप्लीमेंट करेंगे किस को रजिस्ट्रेशन एक्ट को अब नाउ इन तीनों ही इन चारों ही सेक्शन में आपके रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है इन uh, केस जहाँ पर प्रॉपर्टी आपकी सेल की है सौ से ऊपर है आपको रजिस्टर कराना कंपल्सरी है लीज है आपका जो ईयर टू ईयर वाला है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है तो यहां पे उन सारी चीजों की बात हो रही है उन चार सेक्शंस की बात हो रही है और ये कह रहा है हैज़ टू बी रेड एज सप्लीमेंट टू द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट इट विल बी एक्टिंग एज अ सप्लीमेंट इट विल बी एन एडिशन टू द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट राइट नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर दिस थिंग दैट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कंप्लीट्स द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट करता है द रीजन बीइंग जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कॉन्ट्रैक्ट के बिना तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हो सकती राइट right? जहां पे भी रजिस्ट्रेशन कम्पल्सरी है जहां पे भी आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है राइटिंग में करके तो वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन से पर्सन वैलिड होंगे एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें फुलफिल करना ही पड़ेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के केस में भी दैट इज इट इज सेइंग दैट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट करता है एक तरीके से so और जो भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन की मीनिंग होगी वो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ले सकते हैं राइट right? नाउ It is obvious that in the Transfer of Property Act there are elements of contract. This is very obvious. We have seen it. discuss discussed now section four of the Act makes it clear. दैट ऑल सच प्रोविजन ऑफ द एक्ट विच रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो भी प्रोविजन ऐसे हैं जो रिलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट से तो उस पर्टिकुलर केस में वो कैसा माना जाएगा दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली वो भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है देरफोर देर आर प्रोविजन और वर्ड्स इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट कुछ प्रोविजन है कुछ आपके वर्ड्स यूज किए गए हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो रिलेट करते हैं किससे आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से नाउ द मीनिंग ऑफ दोजन एंड वर्ड शेल बी बी सेम एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो उसकी मीनिंग उसके प्रोविजन जो है आपके सेम होंगे जैसे आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं मतलब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रेफरेंस ले सकते हैं उन वर्ड्स उन प्रोविजन की मीनिंग के लिए राइट right? तो यहाँ पे क्या कहता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एडिशन है ये ठीक है इट इज एन एडिशन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एंड वेर एज सेक्शन दीज दीज फोर सेक्शन सेक्शन फिफ्टी फोर वन ट्वेंटी थ्री फिफ्टी नाइन वन नॉट सेवन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट क्लियर वह सप्लीमेंट करते हैं आपके इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को नाउ

टेल्स यू कि ट्रांसफर आप किसे कहोगे वॉट डू यू मीन बाइन कर रखा है और बहुत ही प्यारे डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे की। और क्या डेफिनेशन है एक बार डेफिनेशन को देखो उसके बाद डेफिनेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स uh, भी देखेंगे और उन सारे एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे राइट नॉलेज सी एक बार इन दॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मीन अब जब मैंने पहली क्लास ली थी जब पहला लेक्चर था इस सीरीज का तो उसमें मैंने बताया था कि ट्रांसफर ऑफ एक्ट जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो आपका नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स पे ही लगता है ठीक है टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स पे नहीं लगता दैट मींस कि जो लोग जो ट्रांसफर्स आपके लिविंग पर्सनस के बीच में हो रहे हैं उस पर ही आपका ये पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल होता है अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं होता अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर विल से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उस पर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा राइट नाउ हेअप Just come back to the section and just read it out that this particular word, Transfer of Property Act, means an act by which a living person conveys okay? an act by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living person.

ट्रांसफरी जिसको मिल रहा है वो दोनों ही लिविंग पर्सन होने चाहिए एज पर दिस एक्ट तो ट्रांसफर आपका इंट्रावाइवर्स होना चाहिए दैट मींस कि दो लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफर होना चाहिए राइट नाउ दी एक्ट बाय विच एक लिविंग पर्सन जो है कन्वे कर रहा है कन्वे करने का मतलब होता है यहाँ पर जो ये वर्ड कन्वे है इसका मतलब क्या है दैट वंस राइट ऑफ वन पर्सन इज नाउ एक्सटिंग्विश एंड दी राइट ऑफ अदर पर्सन इज स्टार्टेड नाउ मेरे हक खत्म हो गए आपके शुरू हो गए राइट right? तो उसको हम ट्रांसफर कहते हैं कि मेरा अधिकार उस प्रॉपर्टी पे अब खत्म हो गया बट योर राइट स्टार्टेड तो यहाँ पे कुछ राइट खत्म होते हैं कन्वे वर्ड्स में क्या होता है कि कुछ राइट खत्म हो रहे हैं और आपके कुछ राइट क्रिएट किए जा रहे हैं नहीं क्रिएट किए जा रहे हैं दैट इज वॉट इज कन्वेइंग की भाई हमने जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो एक्ट ऑफ अक्ट बाय अंग पर्सन कन्वेज द प्रॉपर्टी ठीक है प्रॉपर्टी को वो कन्वे कर रहा है कि भाई मेरे अधिकार इस प्रॉपर्टी पे अब खत्म हो चुके हैं और आपके अधिकार इस प्रॉपर्टी पे future, अब शुरू प्रेजेंट और फ्यूचर है it, कि आप अभी ट्रांसफर कर रहे हो या फिर आप फ्यूचर में ट्रांसफर कर रहे हो जो ये ट्रांसफर जो ये प्रेजेंट और फ्यूचर वर्ड है ये साथ जा रहा है इस कन्वे के साथ आप अभी कर रहे हो या फ्यूचर में कर रहे हो बट प्रॉपर्टी प्रेजेंट में होनी चाहिए प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के लिए प्रेजेंट और फ्यूचर वर्ड यूज नहीं किया गया है ये प्रेजेंट और फ्यूचर वर्ड यूज किया गया है आपका इस कन्वे के साथ कि आप अभी दो उसको प्रॉपर्टी या फिर बाद में दो उसको प्रॉपर्टी राइट प्रेजेंट में दो या फिर फ्यूचर में दो टू वन और मोर लिविंग पर्सन और आपको ये आपको देना है किसी दूसरे लिविंग पर्सन को एक एक से ज्यादा लिविंग पर्सन को आप दे सकते हो या फिर आप खुद को भी दे सकते हो और खुद को कैसे देख सकते हो वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे विद एन एग्जाम्पल तो ये कुछ आपकी डेफिनेशन दे रखी है, की. Now, जो ये कौन -कौन आता है तो यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन जो है जैसे कंपनी हो गई एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गए वो भी आपके इस लिविंग पर्सन की कैटेगरी में आते हैं राइट नाउ द लिविंग पर्सन इंक्लूड दंपनी एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल

ठीक है अगर मान लो उस पर्टिकुलर एक्ट में उस पर्टिकुलर लॉ में कंपनी लॉ में आपका कंपनी एक्ट में प्रोहिबिटेड है कि भाई ट्रांसफर नहीं हो सकता इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो वहां पे आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उस लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा यहां पे वो उसी के हिसाब से गवर्न होगा कंपनी लॉ के हिसाब से राइट तो यहां पे एक बेसिक सी बात यह कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किसी दूसरे एक्ट को अफेक्ट नहीं करता है अगर उस लॉ में लिखा हुआ है कि ट्रांसफर नहीं होगा अगर सेबी एक्ट में लिखा हुआ है अगर कंपनीज लॉ में लिखा हुआ है कि ट्रांसफर नहीं हो सकता तो फिर ट्रांसफर नहीं

डेफिनेशन को यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे आपका सेक्शन फाइव जो प्रॉपर एक्जैक्ट डेफिनेशन है दैट इज कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मीन एन एक्ट बाय बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज द प्रॉपर्टी इन

और प्रॉपर्टी आप अभी दे रहे हो बाद में दे रहे हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होनी चाहिए के बीच में ही हो रहा है. आप खुद को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो तो दी पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन नाउ वी आर गोइंग टू सी वन बाई वन एक्ट का क्या मतलब होता है नाउ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है ना आपका दैट इज एन एक्टिविटी और यहाँ पे पार्टीज इन्वॉल्व है

मैं अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा पहले तो जो जिसको ट्रांसफर कर रहा हूं उसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाऊंगा राइट तो इट इज नॉट ट्रांसफर्ड ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ एक्ट तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना पड़ेगा एग्री करना होगा एंड ऑल थिंग्स राइट तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी खुद से ट्रांसफर नहीं हो रही है जहां प्रॉपर्टी खुद से ट्रांसफर होती है उस उसपे आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता एज आई टोल्ड यू प्रॉपर्टी जो इसमें ट्रांसफर हो रही है इस पर्टिकुलर एक्ट में ट्रांसफर हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है वो किसके बीच में हो रही है वो दो लिविंग पर्सन के बीच में हो रही है तभी उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं हो रहा इट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड ऑटोमेटिकली विदाउट ट्रांसफर एक्ट एज इट इज इन द केस ऑफ विल और इनहेरिटेंस विल और इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है सक्सेशन के केस में क्या होता है कि भाई एक आ, किसी की डेथ हो गई तो उसके लीगल हायर ने प्रॉपर्टी ले ली वहां पर कोई एक्ट नहीं करना पड़ता ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उस चीज पर लगता है जहां पे कोई पार्टीज दोनों पार्टीज ट्रांसफर और ट्रांसफरी दोनों इन्वॉल्व है किसी प्रोसेस में एंड दैट इज वाई दी वर्ड हैज बीन यूज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्टिविटी और अ प्रोसेस यू कैन से राइट नो ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी वुड मीन डूइंग ऑफ

दे रही हूं। उसका लीगल इफ़ेक्ट क्या है कि अब मैं ओनर नहीं हूं आप ओनर हो। एक राइट क्रिएट किया जा रहा है मेरा राइट उस पर एक्सटिंग हो रहा है खत्म हो रहा है और आपका एक नया राइट क्रिएट हो रहा है जिसको प्रॉपर्टी जा रही है तो लीगल इफेक्ट क्या है कि प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर हो रही है एक पर्सन से दूसरे

इंस्ट्रूमेंट्स पे लगता ही नहीं है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो आपका टेस्टमेंट्री uh, इंस्ट्रूमेंट पे लगता है नहीं है नॉन टेस्टमेंट्री इंस्ट्रमेंट पे लगता है नाउ पे क्या कहता है कि ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज टू बी मेड बाय लिविंग पर्सन वही वैलिड माना जाएगा टीपीए के अंदर जो आपका लिविंग पर्सन द्वारा हो रहा हो द पर्सन हु मेक्स द दर इज कॉल्ड एज द ट्रांसफर जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं ट्रांसफरर कहते हैं जिसको प्रॉपर्टी मिल रही होती है उस वो कौन किस नाम से जाना जाता है ट्रांसफरी के नाम से जाना जाता है नाउ द ट्रांसफरर मे बी अ ह्यूमन पर्सन और अ ज्यूरिस्टिक पर्सन

Now, the para, जो सेक्शन फाइव का है वो और क्लियर कर देता है आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर बी वन पर्सन और असर ऑफ अर्सन योशन पर्सन भी हो सकता है एज आईव टोल्ड यू की लीगल एंटिटी मिली हुई है उन्हें और उन, उन को भी हम लिविंग पर्सनडर करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिस्पेक्ट में नाउ कोर्ट है

ठीक है, दैट द ट्रांसफर ऑफ under will ऑपरेशन ऑफ लॉ अंडर विल इनटेंस बाई दर्ट आर एक्सक्ड फ्रॉ द डेफिशन एंड आर नॉ रेगुलेटेड बाई दी एक्ट ये हमने देख लिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है और हमने देख लिया कि जो तो बात बातें कॉन्ट्रैक्ट में दे रखी है वो आपकी यहां पे भी फुलफिल होना जरूरी है नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पैरा ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन यहां पे कहता है कि एक चीज बहुत क्लियर कर दे कि ट्रांसफर एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या वो ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है ठीक है एंड वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है बॉडी कॉपरेट भी हो सकता है राइट और इनफैक्ट यहां पे कहा गया है कि जो ये जोरिस्टिक पर्सन के नाम से कहा गया है उनको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आपका ह्यूमन बींग ही माना गया है लिविंग पर्सन ही लिविंग पर्सन ही माना गया है और वो अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं कोई कंपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है तो वो किसके अंडर फॉल करेगी आपका इसमें फॉल करेगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी उस पर आपकी होगा ठीक है टीपे में फॉल करेगी वो नाउ द मेन इशू इज कि अगर मान लो कोई कोर्ट सेल करती है ठीक है कोर्ट के माध्यम से कोई सेल हो रहा है तो वो आपका सेक्शन फाइव में फॉल नहीं करेगा वो एक्सक्लूडेड है आपके सेक्शन फाइव से रीजन बींग कि कोर्ट ने यहाँ पे ट्रांसफर करी कोई प्रॉपर्टी कोर्ट ने आदेश दिए कि भाई पर्टिकुलर सेल हो जानी चाहिए इस प्रॉपर्टी को बेच दो तो, तो वहां पे उस पर आपका सेक्शन फाइव एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि हम सेक्शन फाइव के लिए जो कंडीशन रिक्वायरमेंट है जो कंडीशन रिक्वयर्ड है वो फुलफिल होना बहुत जरूरी है राइट नाउ नेक्स्ट इज दसफर मस्ट बी अ लिविंग पर्सन और ट्रांसफर विल से सक्सेशन से वो सब आपकी इसमें कवर अप नहीं होगी क्योंकि ट्रांसफर का लिविंग पर्सन होना बहुत ज़रूरी है मीन्स दैट दी ट्रांसफर और दी प्रॉपर्टीज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ या फिर विल में हो जहाँ पे भी ट्रांसफर हो रहा है ऑपरेशन ऑफ लॉ द्वारा या फिर विल में हो रहा है या फिर सक्सेशन में हो रहा है इनहेरिटेंस में हो रहा है या फिर कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है ये सारी ही चीज़ें आपकी एक्सक्लूडेड हैं फ्रॉम दिस डेफिनेशन एंड नॉट रिगार्डेडेड एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द टीपीए तो उसको आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मानोगे अंडर टी पी को एक्सक्लूड कर रखा है क्योंकि हम उसको ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन नहीं मानते हैं राइट नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कन्वे कन्वे का क्या मतलब है, यहां कहते है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी द द द लिविंग पर्सन दैट इज जो जो, जो जिंदा जिंदा लोग हैं जो ह्यूमन बींगस के बीच में ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी उनका ऑफकोर्स एग्जिस्टेंस में होना बहुत जरूरी है उनका लिविंग होना बहुत जरूरी है हमने डिस्कस किया अभी नाउ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो लिविंग पर्सन है वो क्या कर रहा है कन्वे कर रहा है प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को नाउ हिज कन्वे Is doing of the act which is called transfer. Now, this is what is ट्रांसफर मीनस कि द मोमेंट उसके राइट्स खत्म हो गए और सामने वाले राइट स्टार्ट हो सब पर्सन के राइट स्टार्ट हो गए दैट इज वॉट इज कि अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई दैट इज वॉट इज कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई देर मस्ट बी अ कन्वेंस इन एवरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कन्वेंस होना बहुत जरूरी है कि भाई आप जिस जो पर्सन दे रहा है ट्रांसफर कर रहा है उसके अधिकार खत्म हो गए हैं और सामने वाले पर्सन के राइट्स स्टार्ट हो गए हैं

कि भाई एक ऐसा एक्ट एक ऐसी एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस जिससे दो लिविंग पर्सन आपस में आ, जो है ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं ना वो ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी इसको जो है यहाँ पे कन्वे वर्ड से कहा गया है जहाँ पे दी बाई दी एक्ट प्रॉपर्टी कन्वे करता है प्रॉपर्टी उसको हम यहाँ पे उसको हम यहाँ पे क्या बेसिकली एग्जैक्टली exactly कह रहे हैं कि भाई ट्रांसफर हो गई है प्रॉपर्टी सामने वाले पर्सन के न्यू राइट टाइटल्स क्रिएट कर दिए गए हैं Now before transfer of property, the transferee do not does not have any particular interest. Transfer से जब तक वो convey नहीं कर रहा है property, जब तक वो transfer नहीं कर रहा है, उससे पहले उसके कोई भी right or interest नहीं है उस particular property में. Now after the transfer of property, the transferee gets that पर्टिकुलर इंटरेस्ट विच इज गिवन बाय दी ट्रांसफर और जैसे ही प्रॉपर्टी कन्वे हो जाती है तो वैसे ही ट्रांसफरी का अपना इंटरेस्ट और अपना टाइटल क्रिएट हो जाता है उस, उसको जो प्रॉपर्टी मिलती है उसमें राइट बट कब होता है जब वो प्रॉपर्टी कन्वे कर देता है ट्रांसफरर ट्रांसफरी को राइट तो ट्रांसफरी गेट्स दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट उसके पास पहले नहीं था ट्रांसफर करने के बाद आया तो उसको वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट मिल जाता है जो उसको ट्रांसफर देता है ट्रांसफर करने पे राइट नाउ एनीथिंग डन और एनी फॉर्म ऑफ एश्योरेंस वर्च्यू ऑफ विच द ट्रांसफरी गेट्स न्यू टाइटल और इंटरेस्ट विच ही have नॉट द ट्रांसफर इज कॉल्ड

दैट मस्ट एग्जिस्ट की वो एग्जिस्ट हो रही है ठीक है प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग में है तभी उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर सकते हो तभी उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आप नए राइट और टाइटल क्रिएट कर सकते हो ट्रांसफर की फेवर में आप कन्वे कर सकते हो ठीक है तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है फ्यूचर और प्रेजेंट इसको कन्फ्यूज करके प्रॉपर्टी के साथ नहीं पढ़ना है कि प्रॉपर्टी बाद में दे देंगे यहाँ पे इसको पढ़ना है कि कन्वेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में भी किया जा सकता है राइट नाउ द ट्रांसफर कैन मेक अरेजमेंट्स दैट द प्रॉपर्टी इज वेस्टेड और एक दी ट्रांसफरी इमिजिएटली आफ्टर दंप्लीशन ऑफ दी ट्रांसफर तो यहां पर ट्रांसफर जो है कुछ ऐसा अरेंजमेंट्स करता है जिससे प्रॉपर्टी जो है इमीजिएटली वेस्ट करती है एक जाती है किसको ट्रांसफरी को इमिजिएटली दंप्लीशन ऑफ द ट्रांसफर द मोमेंट ट्रांसफर कंप्लीट हुआ वैसे ही उसके राइट उसमें हो गए उसको उसको इंटरेस्ट मिल गया उसको टाइटल मिल गया जैसे ही ट्रांसफर हो गया कंप्लीट हो गया आपका राइट नो हीजमेंट्स इन इन विच द वेस्टिंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज प्रपर्टी ट्रांसफर को तब मिलेगी जब इस पर्टिकुलर फ्यूचर डेट आएगी या किसी फ्यूचर डे पे वेस्टिंग होगी तो ऐसा हो सकता है ही इज फ्री टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो अपॉन दुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन या फिर यहाँ पे जो ट्रांसफर है वो कुछ कंडीशन भी इम्पोज कर सकता है कि जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तब आपको ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाएगी तो इस तरीके से कंडीशंस भी लगा जाता है कंडीशन लगाना नहीं है अवॉइड नहीं होता बट वेन विल वी विल बी सेंग सेक्शन टेन और सेक्शन इलेवन जहाँ पे हम देखेंगे कि कब कंडीशन uh, लगाना अवॉइड होता है और कब कंडीशन लगाना अवॉइड नहीं होता राइट तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफरर जो है इमीजिएटली भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है फ्यूचर डेट पे भी सेट कर सकता है और साथ में कोई कंडीशन भी लगा सकता है जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है नाउ प्रॉपर्टी दिस पर्टिकुलर वर्ड हैज हैज बीन इन अ अ सेंस इट वेरी वाइड मीनिंग इसका एक बहुत वाइडर uh, कॉनोटेशन है ठीक है एक वाइड टर्म में यूज किया गया इस पर्टिकुलर मीनिंग को और इंक्लूड करता है सारी तरीके की प्रॉपर्टीज और सारे डिस्क्रिप्शन मूवेबल भी आपका इमोवेबल भी राइट नाउ इट मीन मूवेबल प्रॉपर्टी कार्स और टेबल्स इट मीन इमोवेबल प्रॉपर्टी हाउस इट ऑल्सो मीन इनटैंजेबल प्रॉपर्टी राइट टू कैच फिश और एक्शनेबल क्लेम्स और अदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी तो यहाँ पे एक बहुत वाइडर टर्म है और इसमें सब कुछ सारे तरीके की प्रॉपर्टी आपकी इंक्लूड होती है चाहे वो आपकी हो या फिर इमूवेबल हो या फिर कोई भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज हो कि भाई कोई राइट right दे दिया आपको या कोई भी आपको बेनिफिशियली इंटरेस्ट दे दिया तो वो सारी चीजें भी आपकी इस पर्टिकुलर टर्म प्रॉपर्टी में फॉल करती हैं राइट नाउ टू अनदर लिविंग पर्सन इसका क्या मतलब है यहां पे कहता है दे मस्ट ऑल्सो बी अनदर पर्सन टू होम दीप प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफर उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं ट्रांसफरी कह रहे हैं जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है भाई एक पर्सन के साथ सामने वाला पर्सन भी होना चाहिए ना जिसको आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं ट्रांसफरी कह रहे हैं सिंस दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन फाइव इज एन एक्ट बिटवीन टू लिविंग बिटवीन टू लिविंग मस्ट ऑल्सो बी अ लिविंग पर्सन जिसको आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो उसका भी लिविंग होना जरूरी है उसका भी जिंदा होना जरूरी है तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ सेक्शन फाइव में कि इट एक्ट बिटवीन टू लिविंग पर्सन है कि ये ऐसा एक्ट है जो दो लोग आपस में कर रहे हैं एक ऐसे एक्टिविटी ऐसे प्रोसेस को अंडर कर रहा है जिससे प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो रही है और इन दोनों ही पर्सन का लिविंग होना जरूरी है राइट नाउ द ट्रांसफर इन नॉट टू बी कम्पिटेंट अब यहाँ पे कहता है जो ट्रांसफर जिसको प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका कम्पिटेंट होना जरूरी नहीं है ट्रांसफर का कम्पिटेंट होना जरूरी है तो जो ट्रांसफर ही है नॉट टू बी कम्पिटेंट द ट्रांसफर मे बी माइनर इन सेन और इवन अ चाइल्ड इन दी मदरस वोम तो वो कोई भी हो सकता है माइनर भी हो सकता है चाइल्ड इन मदरस वूम वो भी हो सकता है या फिर कोई माइनर भी हो सकता है बट दी ट्रांसफरी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस अब यहां पर कहता है कि जब ट्रांसफर हो रहा है तो उस ट्रांसफरी का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है प्रॉपर्टी नॉट बी ट्रांसफर टू अर्सन इन एक्सिस्टेंसन जो एग्जिस्टेंस में नहीं है उस ट्रांसफर तो नहीं हो सकती राइट right? नाउ तो ट्रांसफरी टू में आइदर बी अर्सन और अ पर्सन अब यहां पर अगेन जैसे हमने ट्रांसफर के केस में देखा था कि वो ह्यूमन पर्सन भी हो सकता है ह्यूमन बींग भी हो सकता है या फिर जुएसटिक पर्सन भी हो सकता है कोई कंपनी भी हो सकती है right? राइट तो यहाँ पे भी कह रहा है कि जो ट्रांसफरी है वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है और एक जुरिस्टिक पर्सन भी हो सकता है नाउ अनदर लिविंग पर्सन इंक्लूड्स ऑल्सो जुरिस्टिक पर्सन सच एज फॉर्म सोसाइटी कंपनीज कॉपोरेशन एक्सेट्रा एंड दी प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफर टू देम और प्रॉपर्टी आप उनको भी ट्रांसफर कर सकते हो तो यहाँ पे जो बिटवीन टू लिविंग पर्सन है तो ह्यूमन बींग हो दोनों या फिर एक ह्यूमन बींग हो एक जोरिस्टिक पर्सन हो तो भी प्रॉपर्टी वो किस में फॉल करेगी आपके सेक्शन फाइव में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में फॉल करेगी इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में नाउ टू हिमसेल्फ अब जो ये लास्ट में सेक्शन के लास्ट में जो ये वर्ड टू हिमसेल्फ यूज किया गया है ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट करता होगा अब यहाँ पे दो हिमसेल्फ यूज किए गए तो पहला हिमसेल्फ का क्या मतलब है बेसिक से समझ लो हम अभी इसको रीड आउट भी करेंगे बेसिक से बात समझ लो कि कोई पर्सन है जैसे मान लो मैं हूँ तो मैं कोई ट्रस्ट क्रिएट करके उसमें पैसे डाल सकती हूँ और वहां की मैं ट्रस्टी भी हूँ तो मैंने खुद को ही तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी कि भाई मैंने एक ट्रस्ट बनाया उस ट्रस्ट की मैं ट्रस्टी हूँ और उस ट्रस्ट में मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो दैट इज दैट हिमसेल्फ कि भाई पहला हिमसेल्फ ये हो क्या ठीक है या आपने कंपनी के डायरेक्टर हो आपने कंपनी को पैसे ट्रांसफर किए हैं और उस कंपनी के आप डायरेक्टर हो तो आपने किसको पैसे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है ऑफ कोर्स अपने आप को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करिए तो यहाँ पे वो भी आपका अलाउड है इस पर्टिकुलर एक्ट में ठीक है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ही कहोगे वा, आप सेक्शन फाइव में उसको ना वो वाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेक्शन एक्ट रिक्वायर्स टू तो लिविंग पर्सन दो लिविंग पर्सन का होना जरूरी है ना दी वन ट्रांसफर एंड दी ट्रांसफरी भाई एक ट्रांसफर होगा और एक ट्रांसफरी होगी वन कैन नॉट ट्रांसफर

उस तरफ से एक तरफ से मैं हूँ और एक तरफ से आ, मैं दूसरी कैपेसिटी में हूँ एज इन यू कैन से अ ट्रस्टी और यू कैन से एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी तो उस पर्टिकुलर केस में मैं प्रॉपर्टी कंपनी को ट्रांसफर कर रही करी कंपनी क्या है एक लिविंग पर्सन है हमारे टीपीए में सेक्शन फाइव के अंडर तो यहाँ पे उस केस में प्रॉपर्टी मैं खुद को भी ट्रांसफर कर सकती हूँ राइट नाउ दिस पर्टिकुलर टर्म कैपेसिटी मतलब कि मैं जो है आ, खुद की कैपेसिटी में Human being, मैं खुद को प्रॉपर्टी ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ। बट अगर मान लो मैं किसी ट्रस्ट, मैंने ट्रस्ट बनाया वो ट्रस्ट मेरा ही है मैं उसकी ट्रस्टी तो मैं ट्रस्ट के नाम डायरेक्टर तो के नाम पर दूसरी कैपेसिटी में हो गई ट्रस्टी हो गई या वहां पर एज अ डायरेक्टर हो गई तो उस पर्टिकुलर केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है और वो आपकी फॉलो करेगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन आई होप यू हैर्न इट सेक्शन फोर और सेक्शन फाइव एनी डाउट यू कैन रीच मी आउट ऑन माई टेलीग्राम चैनल और ऑन मी ऑन इंस्टाग्राम श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं राइट right? नाउ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की स्टडी आई क्यों जुडिश्री प्रोवाइड कर रहा है आपको जुडिशरी के कोर्सेज और ये वेबसाइट है जहां पे आप जाके हमारे जुडिशरी के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं तो अगर आपको डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है चाहे आपका वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हो या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट हो सी हो लोकल लॉज हो मेजर लॉज हो माइनर लॉज हो कोई भी लॉ हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करना है

द मोमेंट यू विल अप्लाई दिस प्रोमो कोड यू कैन सी जो कोर्स चौतीस हजार नौ सौ नौ सौ निन्यानवे का है वो कोर्स आपको मिल रहा है यूज करके प्रोमो कोड एस एच आर सिर्फ और सिर्फ ग्यारह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में तो इलेवन थाउजेंड ट्रिपल नाइन में आप सिक्सटीन स्टेट्स की तैयारी कर सकते हैं एक साथ और अगर आपको ये कोर्स दो साल की वैलिडिटी के लिए चाहिए तो आप ये कोर्स ले सकते हैं सेम प्रोमो कोड से सिर्फ और सिर्फ चौदह हजार चार सौ निन्यानवे रुपए में एंड द सेम प्रोमो कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा स्टेट स्पेसिफिक कोर्स में भी जहां पे आपको स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ नौ हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड इन टूडे लेक्चर विल बी डूइंग योर लेक्चर फोर फ्रॉम सेक्शन सिक्स ऑन टू सेक्शन टेन टिल टेन विल बी कंप्लीटिंग इन दैट पर्टिकुलर सीरीज राइट सो स्टेट यून टू स्टडी आई की जुडिशरी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग